सब मालूम हो जाता है कि कहाँ क्या हो रहा है। ये बात है महाराज, मैं उन्हें अभी लेकर आता हूँ। महाराज, ये आपने क्या किया? उस आदमी का बुखार आपने अपने शरीर पर ले लिया। बेटा, वो गरीब बच्चा पहले ही ना जाने अपने कौन से कर्मों की सजा भुगत रहा था। मुझसे उसका दुख देखा ना गया, और फिर ये बुखार तो आनी जानी चीज है। आज आया है, कल चला भी जाएगा। चलो अब आश्रम चलते हैं। तालाब में नहा रही हैं। बाबा का कहना तो सच हो गया। अरे हैं? अब तो मेरा बुखार भी उतर गया। वाह बाबा, तेरी महिमा अपरंपार है। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई महाराज। हमने आपसे झूठ बोला तो महाराज, जिसकी सजा हमें मिल चुकी महाराज, अब आप भी हमें माफ कर दीजिए महाराज। उठो बेटा, याद रखो, हर बुराई का अंत बुरा ही होता है। तुमने क्या सोचा था कि अगर तुम उस वक्त हमें सच बता देते तो क्या हम तुमसे तुम्हारा गुड़ और शक्कर मांग लेते? बेटा, जब हमने मोह माया गृहस्थी और दुनिया के सब ऐशो आराम त्याग दिए, तो फिर भला हमें तुम्हारे गुड़ और शक्कर के स्वाद से क्या लेना देना। हम तो साधु संत फकीर हैं, जो रात दिन अपने प्रभु की याद में खोए रहते हैं। हमें क्षमा कर दो महाराज, हमें क्षमा कर दो महाराज। ठीक है बेटा, आज के बाद कसम खाओ कि जिंदगी में फिर कभी झूठ नहीं बोलोगे। हाँ महाराज, हम कसम खाते हैं, आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलेंगे महाराज। ठीक है बेटा, कहते हैं जब बाग खुले तभी सवेरा। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया है। हाँ महाराज। जाओ, भगवान तुम्हारा भला करे। प्रणाम महाराज। ये लो काका, अब जाओ। लाला जी, क्या है? क्या जमाना आ गया, गुड़ और शक्कर पैरों में रुल रहा है। ये तो वाकई गुड़ और शक्कर है। मैंने तो उन दोनों बिचारों को बेवजह पिटवा दिया। हे भगवान, मुझे माफ करना। शहजादा दाराशी को आपसे मिलने आए हैं। शहजादा दाराशी को? जी। और यहाँ? जी। उन्हें अंदर भेज दो। जी गुरुदेव। सुनो। जी। जरा ये स्थान तो खाली कर दो। जी बहुत अच्छा। कुछ देर यहां आराम कर, मैं जरा अपने मेहमान से मिल लूं। सलाम हुजूर। बैठिए शहजादे। हुजूर, मुझे भी लोगों से आपकी रूहानियत के बारे में पता चला। मेरे भी मन में आप जैसे महापुरुष से मिलने की इच्छा हुई।
और आपके यहाँ जहारत के लिए चला आया। अच्छा किया शहजादे। और सुनाइए, कैसा चल रहा है आपका राजपाट? बस हुजूर, अल्लाह का फजल है। ठीक है हुजूर, ये आपकी कमली क्यों हिल रही है? कुछ नहीं शहजादे, ऐसे ही। अभी तुम्हारे आने से थोड़ी देर पहले मुझे थोड़ा बुखार था, मैंने उसे इस कमली में बंद कर दिया है। हुजूर, अगर आप इसे अपनी रूहानी ताकत से कमली में बंद कर सकते हैं तो इसे हटा भी तो सकते हैं। शहजादे, ये जो शारीरिक रोग होते हैं इन्हें मनुष्य को भोगना ही पड़ता है, और इन्हें भोगने में ही मनुष्य की बेहतरी है। हुजूर, आपकी सादगी और रूहानियत से बहुत मुतासिर हुआ हूँ। हुजूर, अगर आप इजाजत दें तो कुछ सवाल मैं भी आपसे पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ शहजादे, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? हुजूर, संत या फकीर की जिंदगी कहाँ से शुरू होती है और खत्म कहाँ होती है? संत पहले अपनी दुनियावी जिंदगी को खत्म करता है और फिर उसके बाद उसकी जिंदगी शुरू होती है। हुजूर, फकीर का मस्तक ऊंचा कैसे रह सकता है? शहजादे, ईश्वर के सिवा अपने मन को और किसी चीज में ना लगाए, इसी में संत की समझदारी है। हुजूर, संत की बुद्धिमता किस में है? अपनी हकीकत को जानने में और दुनियावी चीजों को त्यागने में। हुजूर, आज मुझे आपसे एक आम आदमी और साधु संत की जिंदगी का इल्म हासिल हुआ है। अच्छा हुजूर, अब हमें इजाजत दीजिए, दोबारा फिर हाजिर होंगे। खुदा हाफिज। अरे कलन मियां। जी हुजूर। बादशाह सलामत औरंगजेब का हुक्म है कि पता लगाओ ये हिंदू फकीर बाबा लालदयाल ऐसी कौन सी शख्सियत का मालिक है कि जिसके दिन पर दिन हिंदू तो क्या मुसलमान भी मुरीद बनते जा रहे हैं। हाँ हुजूर, मैंने भी सुना है कि वो बड़े पहुंचे हुए और करामाती फकीर है। क्या मगर हुजूर, मेरे उस्ताद हाजी कमाल खा के आगे भला उनकी क्या चलेगी। हुजूर, आपके सामने तो बड़े बड़े घुटने टेक कर चले गए। मगर हुजूर, हाथ कंगन को आरती क्या, अभी पता चल जाता है कि वो कितने पानी में है। वो देखिए हुजूर, सामने उसी के चेले नहा रहे हैं। हुजूर, ये क्या किया आपने? अरे खल्लन मियां, पुरानी कहावत है कि घर के भाग तो उसकी ड्योढ़ी से नजर आ जाते हैं। जरा देखे तो सही, उनके चेलों में भी कोई रूहानी ताकत है या नहीं। आओ चलें। चलिए हुजूर। सुनिए जी। फरमाइए पीर बाबा। देखिए, मेरी एक सुई इस तालाब में गिर गई है, अगर आप में कोई काबिलियत हो तो मेहरबानी करके मेरी वो सुई निकाल दीजिए। आपको जहमत तो जरूर होगी। ये लीजिए हुजूर। यदि आप में स्वयं कोई काबिलियत हो तो आप अपनी सुई खुद इसमें से ढूंढ लीजिए। अगर चेलों में ये बात है तो इनके गुरु में क्या होगी। चलो कलन मियां, आज इनके गुरु को भी अजमाई लेते हैं। ठीक है हुजूर, चलिए। जाना पहचाना नाम पालको वीडियो।